आप जानते हैं दोस्तों, भगवान शिव की 5 पुत्रियों का राज, इनको माता पार्वती ने जन्म नहीं दिया था, उसके बावजूद भी भगवान शिव की 5 पुत्रियां कैसे उत्पन्न हो गई। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ओवर के अंदर जल क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय संयोग से भगवान शिव का वीरस्खलन हो जाता है और समय भगवान शिव ने अपने वीर को पत्ते पर रख दिया होता है, जिसमे से 5 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। किसी मनुष्य रूप में ना होकर एक सर्प के रूप में उत्पन्न होती है। 5 कन्याओं के जन्म के बारे में माता पार्वती को भी नहीं पता होता है, इन भगवान शिव सब जानते हैं इनके बारे में। रोज सुबह भगवान शिव इन 5 कन्याओं के साथ खेलने के लिए जाते थे सरोवर के अंदर, उन्हें अपनी बाकी बेटियों बेटियों जैसा ही प्यार देते थे। रोज माता पार्वती को शक हुआ और भगवान शिव के पीछे ही चली गई वो। इन्होंने इन बच्चों को लाते हुए देखा, माता पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने क्राल रूप धारण कर इन पक्षियों को मारने को सोचा। भगवान शिव ने कन्याओं की जन्म गाथा के बारे में बताया, तब माता पार्वती हंसने लगी और उन्हें भी अपनी बेटियों के समान पाला। सो चैनल सब्सक्राइब करिए, आपकी सारी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करेंगे।